बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं इजी मोहल्ला करीम भाई हाउसिंग सोसाइटी में, जहां बुरानी गार्ड्स ने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। आइए इस ब्लड कैंप का विजिट करते हैं। ये पहले जो भी डोनर आता है हमारे पास, ये भीड़ से जैसे इंटर होता है, यहाँ इनके सारे ब्लड शुगर और प्रेशर चेक होने के बाद फिर ये जो अप्रूव हो जाते हैं, जिनका होमोग्लोबिन वगैरह सही होता है, उसके बाद हम यहाँ इनको रजिस्टर करते हैं कि इज़ ओके। हम आपके पास एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद ये सीधा यहाँ पे जहाँ ब्लड डोनेट की जगह है, आइए। जैसे जो जो वहाँ से अप्रूव होकर आता है इज़ ओके, जो जो उनको ये यहाँ पे ब्लड से लेते हैं, ये आपके सामने ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये लेने के बाद जब ये ले लेते हैं, फिर इनको जो रिफ्रेशमेंट है वो देने के बाद, इसके बाद ये जो वापसी जाने का काउंटर है हमारा, ये यहाँ पर रखा होगा, ये इनकी फोटोग्राफ लेते हैं यहाँ पे और एक थैंक्स का उसको मैसेज करते हैं यहाँ पे, और जो उनको गिफ्ट देने हैं ये गिफ्ट यहाँ पे उनको दिए जा रहे हैं। जो ब्लड देकर जाते हैं यहाँ से, उनको हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद आपको ये एक हमने बारकोड रखा हुआ है, इसको स्कैन करके आपकी जो भी राय हो इसके अंदर, आपको जो फीडबैक देनी हो वो आप इसके अंदर हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपका ये कैसा रहा। तो ये छोटा सा हमने पूरा यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ, इसी तरह लेडीज़ का सेटअप है, वो सेकंड उसके ऊपर है। उसी तरह कोई लेडीज़ आती हैं तो हम उनको उस साइड पर ले जाते हैं लेडीज़ काउंटर की तरफ, और यही फैसिलिटीज़ हमने लेडीज़ में भी रखी हुई है। और इसी तरह ये देखिए, शुक्रिया के साथ हम जो कर सकते हैं उनके लिए करते, इस तरह ये कैंप चल रहा है हमारा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा। मुस्तफा भाई, सबसे पहले तो रेगुलर डोनर है या फर्स्ट टाइम? अच्छा, ये ब्लड कैंप इसी मोहल्ला में लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? रेगुलरली होना चाहिए ये चीज़, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे हेल्प होती है दूसरों की लाइफ को आगे। हमें मतलब एक प्रोसीजर अच्छा ही है, दूसरों को हेल्प हो सकती है। अच्छा ऑर्गेनाइज किया है पुरानी घाट वालों ने, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, अच्छा सेटअप इंस्टॉल किया है। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप सबसे पहले तो ये बताएं कि रेगुलर डोनर है या फर्स्ट टाइम? जी बिल्कुल, मैं रेगुलर डोनर हूँ और मैं दूसरों को भी इनक्रेज करता हूँ कि ये एक्टिविटी जो है बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, और इसमें हमारे लिए भी हेल्थ इशू है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जिसको हम ब्लड देंगे उसकी दुआएं भी हमें लगेंगी, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी मेरे हिसाब से, और सबको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और रेगुलर रहना चाहिए। तो कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सोशल वेलफेयर है, और इस हवाले से जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। PWA के मेंबर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि ये PWA क्या है ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम।
PWA पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि सिविल हॉस्पिटल बाबा उर्दू रोड पर कायम है। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो पूरे कराची और पूरी इंसानियत बनी नू को ब्लड सप्लाई करना है। हमारे पास 250 थैलीसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, इनको हर 40 दिन बाद ब्लड लगता है। यही नहीं, हम SIUT को भी ब्लड देते हैं, हम ट्रॉमा सेंटर को भी ब्लड देते हैं जहाँ अननोन पेशेंट आते हैं। और हमारा कोई कैश काउंटर नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराची में काम कर रहे हैं और पूरे कराची में हमारा ब्लड जाता है। हमारे पास थैलीसीमिया के बच्चे भी, इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट कोई भी अननोन पेशेंट या कोई डेड बॉडी मिलती है तो फ्री ब्लड हमारा लगता है और हमारा कोई कैश काउंटर नहीं है। यहाँ भी हमारा इनके साथ पुरानी गार्ड्स के साथ कैंप लगा हुआ है। यहाँ आप आएँ, फ्री ब्लड दें, अपने ज़कात खैरात जो भी है PWA को जमा करें, क्योंकि हम बनी नूर इंसानियत की खिदमत करें, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा DMC के तआवुन से और उनकी काविशों से हमारा ये इदारा चल रहा है। PWA 40 साल से जो है काम कर रहा है कराची के अंदर। जो है वो एक्सचेंज में हम ब्लड देते हैं, जैसे कि किसी के पास डोनर मौजूद हो तो हम उससे डोनर ले लेते हैं। बाय द वे इसमें थैलेसीमिया के बच्चों को फ्री ब्लड मिलता है। कोई जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा सेंटर में आए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्लड चाटता है विदाउट डोनर। अगर बोरा कम्युनिटी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो डायरेक्ट आपसे रुजू करें या फिर वो इनसे या पुरानी गार्ड से होते हुए आपकी तरफ आए? सर, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी ब्रादरी जैसे हमें ब्लड देती है तो उसका सिंपल तरीका ये होता है, उनके पास कूपन होता है, उन्होंने हमें ब्लड दे दिया। अब वो जस्ट एक कूपन लेकर आएंगे, उनको किसी भी वक्त किसी भी टाइम हमारी 24 घंटे सर्विस मौजूद है। वो जस्ट कूपन लेकर आएंगे और उनको ब्लड मिल जाएगा बगैर किसी टाइम नेशन के। सिर्फ 3 घंटे का क्रॉस मैच होता है, वो टाइम हम लेंगे, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। और एज? 55 इयर्स। इस एज में आप ब्लड दे रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो जिनको डर है और जो अभी भी सोच रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ब्लड डोनेट करने का तो मेरा बरसों से तजुर्बा है, तकरीबन सालों से मैं ब्लड, जब भी ब्लड कैंप होता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसमें शामिल हों, ब्लड डोनेट करूँ। ब्लड डोनेट करने में मेरे ख्याल में किसी किस्म का खौफ या किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई, मैंने तो यही सुना हुआ है कि फौरी रिकवर होता है मेरा ब्लड, और मैं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड देने के बाद अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करता हूँ। अच्छा, इट्स वेरी गुड। अच्छा, अभी भी आप दे रहे हैं ब्लड तो कुछ आपको महसूस होगा कि मुझे चक्कर आएंगे या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल। इस एज के अंदर मैं अपने 3 एज से देता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कोई आज तक कोई मसला नहीं हुआ, और इस वक्त मेरी 55 साल की उम्र है, 56 साल की। इस वक्त मैं ब्लड दे रहा हूँ, इस वक्त मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा। अब्बास अली हातिम जोड़ियावाला। इसी मोहल्ले में रहायशी हूँ मैं, और ये ब्लड कैंप हो रहा है पुरानी गार्ड्स के तवसुल से। बहुत ही अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज उन्होंने ब्लड कैंप रखा हुआ है, लोगों को उन्होंने इंकरेज किया है कि आगे ब्लड दें, और मैं बड़ा खुश हूँ। जो चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और ये पुरानी गार्ड्स वाले जो हैं ये हमेशा जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है आगे होते हैं। ब्लड दें आप ताकि दूसरों को मदद हो। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। PWA के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे एक अवेयरनेस के मुतालिक सवालात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ और नाम बताएं। सर, मेरा नाम मोहम्मद हसान है, मैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन में एज अ शिफ्ट इंचार्ज सर्विस दे रहा हूँ। मेरा एक सवाल लोगों का भी है कि ये किस एज से किस एज में ब्लड देना चाहिए? अच्छा, ये 18 साल से 55 साल का तक की उम्र के जो हेल्दी पर्सन है वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड होता है। अब हम जो हमारे पास जो ये ब्लड बैग होता है, जो हम एक खून की बॉटल भरते हैं, इसमें तकरीबन हम 520 ml ब्लड लेते हैं। मतलब इस तरह की नॉर्मल बॉडी में तकरीबन 10 से 12 बोतलें मौजूद होती हैं। ये जूस वगैरह और उसके बाद फिर जो ब्लड देने के बाद डोनर को दिया जाता है, तो वो ज़रूरी है कि उस जूस को उसी वक्त पिया जाए या बाद में? ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारे व्यूवर्स की ज़रा अवेयरनेस के मुताबिक? सबसे पहले तो ब्लड देने के 5 से 10 मिनट बाद जूस पिया जाता है। अब ये जो जूस जो होता है, असल में ब्लड डोनेट करने के बाद शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है, तो बेहतर तो ये होता है कि इसके लिए फ्रेश जूस पिया जाए, गाजर का जूस पिया जाए,
कच्ची कलेजी खाई जाए, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं होती तो फिर हम ये जूस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जूस को उसी वक्त पीना चाहिए 5 से 10 मिनट के बाद, अगर आप घर ले गए या इसके बजाय चाय या पानी पिए तो वो बात नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ शब्बीर भाई मौजूद है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है ये। और शब्बीर भाई, फर्स्ट टाइम ये इजी मोहल्ला में हो रहा है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक, ब्लड कैंप है ये? सबसे पहले तो मैं पुरानी गार्ड ट्रस्ट की तरफ से इजी मोहल्ला जो यहाँ की लोकल टीम है, पुरानी गार्ड की टीम है और जितने भी वर्कर्स हैं उसको मैं मुबारकबादी देता हूँ कि चूँकि ये मोहल्ला अभी बहुत मतलब नया है, इसको पूरी तरीके से फंक्शन हुए अभी इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान ही एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कैंप जो है यहाँ पे मैंने अभी देखा है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे, और ये पहला कैंप ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। और तकरीबन इसमें पुरानी गार्ड के तकरीबन 35-36 मेम्बर हैं और गर्ल्स गाइड भी हैं, और लोगों ने मेम्बरों ने बड़ी एफर्ट्स करके, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से हट के है तो हमें ये लग रहा था कि बहुत एक ऑर्डनरी टाइप का बनेगा, लेकिन PWA जो पेशेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है इसमें सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और काफ़ी अरसे से जो है वो ब्लड के लिए वो सर्विसेज देते थे। अभी उन्होंने अपनी सर्विसेज को बहुत इन्हांस किया है और उसके अंदर जो उन्होंने लेटेस्ट मशीनरी भी मंगवाई है, और हमारे सिटी एरिया सेक्शन में अमूमन ब्लड की काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम पहले हुसैनी ब्लड से और फिर फातिमा से पूरा करते थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी कि PWA को भी हम इस चैनल में शामिल करें, तो हमने इसको शामिल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अच्छी सर्विस मिलने की उम्मीद भी है और बहुत इजी लोगों को वहाँ पे, क्योंकि लोग पुरानी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल दूसरे करीब में जो हॉस्पिटल है वहाँ से रसाई आसान है ब्लड की सर्विसेज हासिल करें, सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ब्लड कैंप लगा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और लोगों का रिस्पांस भी अभी से ही इनिशियल क्या छुट्टी का दिन है तो रिस्पांस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिला। एक लोगों का सवाल ये है कि हमारा जो ब्लड हम देते हैं फिर जब इमरजेंसी हो जाती है हमारे यहाँ तो किस तरह अप्रोच किया जाए, किसको अप्रोच किया जाए, ये ज़रा आप थोड़ा बता दें हमारे व्यूअर्स को तो ज़रा आसानी हर रहेगी। हाँ, ये देखिए ये बहुत अच्छा हमारा एक ज़माने में खाली एक फ़ोन कॉल होता था, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसके बाद हमने इसको एक प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू ये काम किया है, मतलब अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उस इलाके के जो भी कैप्टन है या उस इलाके का जो उमूर सेहत का काम मेंबर है उसको वो बात करें कि मुझे ब्लड की चाहिए, उसके अंदर 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, CNIC नंबर, टेलीफोन नंबर और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये व्हाट्सअप कर दें उनको। उसके बाद जैसे ही व्हाट्सअप हमारे जो जो इनकनेक्ट होते हैं ब्लड सर्विसेज उसके साथ, वो फ़ौरन से उसको जो है ब्लड के लिए उनको भेज देते हैं, और जैसे ही वहाँ पे ब्लड की पता चल जाता है कि हाँ ये ग्रुप का ब्लड इस सेक्शन में मौजूद है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप अपनी क्रॉस मैच स्लिप के साथ और डॉक्टर की स्लिप के साथ आप उस जगह पहुँच जाएँ और ये ब्लड। अच्छा, ये कोई लिमिट है कि ब्लड इतना ही मिलेगा एक पेशेंट को या एक कॉल जो जिसकी आपके आती है? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे ये सवाल का इंतजार था। रीज़न ये है कि जब एक मरीज बिस्तर पे आ जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है, फिर उसको कहीं स्टॉप करना जो है ना वो उसका मतलब ये है कि उस मरीज के साथ हम थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है। हमने लास्ट 30-30, 35-35, 40-40 पेंट्स भी दिए हैं एक ही मरीज को, हमारे पास स्टॉक में नहीं थे तो हमने हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी गार्ड ट्रस्ट आज ये काम 40 साल से कर रही है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि फ़ोन के थ्रू हम अपने मेंबर्स को मोबिलाइज करते हैं, जिस हॉस्पिटल में ब्लीड कराना होता है वहाँ ब्लीड कराते हैं, तो ये सिलसिला जो है वो इस तरह हम मरीज को आधे रास्ते में ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, आपकी मुफीद मालूमात से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और अल्लाह करे ये ब्लड कैंप आपका दूसरे मोहल्ले में भी इसी तरह से चलता रहे, और हमारी दुआ है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपका ये हम्बल ये सर्विस जो है वो आपको बहुत ही उसको इसमें इज़्ज़त दे और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। वर्ड का इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि मैं जनरल पब्लिक से इस कैंप के हवाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह के जब भी कैंप
साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम लगाते हैं, तो हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों को इसमें लीडरशिप के साथ उसके अंदर शामिल हो और ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि वी नेवर नो कब इसको कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ जाए। हमारे पास मुख्तलिफ सेंटर्स पर जब स्टॉक होता है ना, तो हमें कुछ मिनटों का टाइम लगता है उसको ये ब्लड सर्विस पहुँचाने में। तो लोगों से आपके इस चैनल के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये खिदमत है, तो आएँ और उसमें अपना बहुत शुक्रिया शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच।